हेलो दोस्तों, आईपीएल लीग के 16वें सीजन का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। रविवार 9 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच की दूसरी पारी में 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्का लगाकर केकेआर को जीत दिला दी। रिंकू ने इस मैच में टी20 क्रिकेट का ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया है। रिंकू सिंह ऐसा करने वाले बने एकलौते क्रिकेटर। केकेआर को गुजरात के खिलाफ मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 29 रन की दरकार थी। रिंकू सिंह 16 गेंद पर 18 रन जबकि उमेश यादव 5 गेंद पर 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। राशिद ने आखिरी ओवर के लिए गेंद यश दयाल को सौंपी। पहली गेंद पर उमेश यादव ने सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक दे दी। रिंकू ने फिर लगातार 5 छक्का लगाते हुए कोलकाता को जीत दिला दी। इसी के साथ रिंकू ने टी20 क्रिकेट में रन चेज करते हुए 20वें ओवर में 5 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को केकेआर गुजरात के बीच कमाल का मैच खेला गया। कोलकाता ने आखिरी गेंद पर गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। गुजरात ने इस मैच में 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 204 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। इसके जवाब में कोलकाता ने 60 विकेट पर 207 रन बनाते हुए अंतिम गेंद पर जीत हासिल की। जीत में सबसे बड़ा योगदान रिंकू सिंह का रहा जो अकेले दम पे गुजरात के जबड़े से जीत छीन लिए। तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।